नौजवान लगे हुए थे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो अगर अगर कोई एक दो लोगों को हमने मोटिवेट कर दिया और हमने इंस्पायर कर दिया, तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। बिल्कुल जी, आपको एज मुबारक कही जा रही है जी, फ्रॉम मानसेहरा हजारा यूनिवर्सिटी की तरफ से जी। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चाहूंगा बहुत कि मुबारक। आपको आपको जाने से पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ अर्शद प्रवेश साहब हैं, वो आपको जरा ईद मुबारक कह दें और उसके बाद फिर अस्सलाम आप। वालेकुम जी, आपको वालेकुम बहुत बहुत ईद सलाम, मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अर्शद साहब, ये बताएं कि क्या पकाया है आपने आज ईद के लिए। खुद क्या पकाया है जो आज आपने? जो पक्का था वो मैंने खा लिया है। नहीं, ये तो ज्यादती हुई ना, ये तो बड़ी ज्यादती हुई। जी मशरूम से ये पहला सवाल है जिसे अरशद साहब भी शर्मा गए हैं। है ना, मैं तो समझती हूँ कि मर्द हजरात खवातीन से बेहतर कुकिंग करते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं साथ जी जाते एक आपसे सवाल करना चाह रहा था। ख्वाजा जी साद जी रफी क्या कहती हैं उनके बारे में? ख्वाजा साद रफीक के साथ आपको मैं बताऊं कि बड़ा मुझे इत्तफाक हुआ कि मैं पाकिस्तान रेलवेज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहती थी, और मैंने मिनिस्टर को नहीं रब्ता करने का मुझे ख्याल नहीं आया, तो हमने जो उनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो स्टाफ था, उनको हमने रब्ता किया, मेरी टीम ने किया, तो मेरी ख्वाजा साद रफीक साहब से इत्तफाकन वहाँ मुलाकात हो गई। तो उन्होंने मुझे, अब जाहिर है इतने अरसे से वो एक मंझे हुए सियासतदान है, हम कब से देख रहे हैं, और मिनिस्टर भी, लेकिन उन्होंने तो मुझको शर्मिंदा ही कर दिया, क्योंकि वो उनका जो खुश अखलाक है, वो उन्होंने जो तारीफ के पुल, उन्होंने मुझे कहा कि आपके तो मैं और मेरी बेगम साहिबा और हमारे सारे खानदान वाले बड़ी फैन है और बड़ी इज्जत करते हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आई कि क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। उसके बाद जो मुझे पता चला उनके बारे में, उन्हीं के ब्यूरोक्रेट से, वो ये कि मेरा ख्याल था कि क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज उनके अंडर, और ये मैंने कभी बात इतना पब्लिकली नहीं की, क्योंकि लोग फिर ये कहेंगे कि ये कोई PMLN प्रो बात कर रही है, लेकिन मैंने पाकिस्तान रेलवेज पे डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाना शुरू की क्योंकि मेरे पास एक लड़की काम करती थी, जिसने मुझे कहा कि पिछले, यानी कि 2015 से 2017 का जो टाइम था, 3 साल, उसने मुझे बताया कि वो अकेली लड़की कराची से पिंडी आया करती थी, और उसने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज का मैम इतना स्टैंडर्ड अच्छा हो गया है, और काफी पर्देदार लड़की, उसने मुझे कहा कि बहुत आसानी हो गई है मैम, आपको ये जो लोग बता रहे हैं ना, तो आप इसके ऊपर जाएं और कवर करें। और जब मैंने वहां पे पाकिस्तान रेलवेज का जो स्टाफ देखा, तो वो इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना हार्ड वर्किंग, जबरदस्त उनका सिस्टम था, और जो पाकिस्तान रेलवेज का हाल हुआ है, उसकी मैं जाती तौर पे, मतलब दिल खून के आंसू रोता है। और उनके ब्यूरोक्रेट्स मुझे, जब मैं उनकी तारीफ करूं, तो वो मुझे कहें कि हमारा मिनिस्टर बड़ा हार्ड वर्किंग है, तो ये मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि जाहिर है मैंने तो एक PTIN वर्जन सुना हुआ था, तो मुझे उनके बारे में ये नहीं था, लेकिन ये मेरा मेरी टीम का जो वास्ता पड़ा उन्हें डे टू डे बेसिस, कि बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को इंडिपेंडेंस थी, किस तरीके से वो काम करे। म्यूजियम उन्होंने बड़ा अच्छा इस्लामाबाद में किया हुआ, सर्विसेज इंप्रूव की हुई, पर्दे का सिस्टम बड़ा अच्छा किया हुआ, सफाई बहुत इंप्रूव कर दी पाकिस्तान रेलवेज पे, तो आई एम अ पर्सनल फैन ऑफ हिज वर्क एज पाकिस्तान रेलवेज के मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन्होंने म्यूजियम मेरा बनाया, उन्होंने अगर म्यूजियम बनाया ना था, सिर्फ म्यूजियम, मौजूदा हुकूमत ने पूरे रेलवे को ही म्यूजियम बना दिया है, बेफिक्र हो जाएं क्या बात, क्या उन्होंने बात। पूरे मुल्क को चिड़ियाघर बना दी है जी। अच्छा, इसी से मुंसलिक सवाल है, क्या फ्यूचर में एज अ चीफ मिनिस्टर डिजर्व करते हैं? बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है कि, अच्छा, इत्तफाकन मैं तो जैसे हूँ पश्तून हूँ, तो मेरा इत्तफाक हुआ एक फंक्शन पे जाने का, और मुझे पता ही नहीं था कि ये साहब जो है ख्वाजा साद रफीक के भाई हैं, मुझे वाकई नहीं पता था। ख्वाजा सलमान सलमान रफीक थे, और इंतहाई, एक तो आपको पता है मजहबी घराना है, रफी, या मजहबी घराना है, इंतहाई शरीफ, बहुत ज्यादा मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये साहब मुझे देख रहे, तो मुझे नहीं समझ आई कि ये कौन है। अच्छा, नाम भी उन्होंने अनाउंस किया, कोई चैरिटी फंक्शन था, मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि ख्वाजा सलमान, मैंने करेक्ट ही नहीं किया। लेकिन दोनों भाई जो हैं बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं, और मैं समझती हूँ कि एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सर्टनली शहबाज शरीफ के बाद टू फिल दोज बूट्स वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट,
लेकिन मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन के लिए शायद एक बड़ा अच्छा मैसेज भी हो कि हम जब कहते हैं ना विरसे की सियासत, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, आई थिंक कि ये अच्छी बात है. मरियम औरंगजेब की जैसे बात कर रहे थे, वन ऑफ द रीजंस कि मैं इसको इनकरेज करती हूँ, क्योंकि जब हम डेवोस गए शाह खाकान अब्बासी के वक्त में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. अब इन खवातीन के साथ मेरा कोई जाती, ना कोई मेरी ये फ्रेंड्स हैं, ना मेरा कोई जाती ऑन अ डे टू डे बेसिस कॉन्टैक्ट है, लेकिन मैंने देखा कि 3-4 खवातीन डेवोस में हमको रिप्रेजेंट कर रही थी शाह खाकान अब्बासी के टेन्योर में, और उन्होंने एक साल में इतना अच्छा, और वो किसी की मतलब यू नो बेटी या उस तरह नहीं थी, ऑल ऑफ देम आर वेरी हार्ड वर्किंग. एंड आई थिंक कि ख्वाजा साद रफीक का भी किसी ऐसे रोल में आना, पीएमएलएन को ये उम्मीद होगी कि ये सिर्फ शरीफ बरादरान की कोई इजारतदारी नहीं है पार्टी पे. और मेरा ख्याल है कि बड़े, मैंने आपको बताया है कि मुझे नहीं पता था, उनके ब्यूरोक्रेट से मुझे कहा कि जी हम इसलिए अच्छे हैं कि हमारा पार्लियामेंट जो मिनिस्टर है वो हार्ड वर्किंग है, क्योंकि मैं, मेरा तो ब्यूरोक्रेट से वास्ता था, मेरा तो स्टाफ से वास्ता था, तो मैं देख रही थी महकमा बड़ा अच्छा चल रहा है, मुझे तो नहीं पता था ख्वाजा साद रफीक का भी कुछ लेना देना है. तो मुझे लोगों ने जो उन्होंने मुझे कन्वे किया उनके स्टाफ ने, अब देखिए ना उसके दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर की सरेआम एक बाजार में जानबूझ के ड्रामे की खातिर बेइज्जती की गई है. तो ये बातें बड़ी जरूरी हैं कि आई थिंक कि ख्वाजा साद रफीक इज अ वर्कर, आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो एक फॉर एग्जांपल जो 10 दिसंबर की जो जलसा था जो लाहौर में 10 तारीख को जो जलसा था, तो खवातीन ने हमें बताया कि किस तरह से दोनों भाइयों ने पीएमएलएन की खवातीन के लिए किस तरह से ऑर्गेनाइज किया. और ये जरूरी है कि हमारे कल्चर में और हमारे जो हमारी अकदार है उसके लिए ये अकदार जो है ना उनको कोई प्रमोट करे, उनका ख्याल करे, उनको महफूज रखे, ये जरूरी है. तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा जी. बहुत शुक्रिया रेहम खान साहब आपके वक्त का. ईद वाले दिन भी हमने आपको पंजाबी जी कहते हैं कि माफ नहीं किया, लेकिन आज एक डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम था.